नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका पॉपुलर न्यूज में। नए साल में टैक्स का बोझ आप पर बढ़ जाएगा। पहली खबर इस तरह की हम आपको दिखा रहे हैं। 1 जनवरी से कपड़े फुटवेयर खरीदना महंगा हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया पॉपुलर न्यूज में एक ऐसी न्यूज आप हमें दिखा रहे हैं, क्या बुकिंग के लिए भी आपको ज्यादा खर्च करना होगा। नोरा फतेही के खूब गाने आप देखते हैं और कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं और बुरा हाल है उनका। कहा है कि कई दिन से बेड पर पड़ी हुई हूँ। अनुष्का शर्मा के साथ मैच देखने पहुंची वामिका, स्टेडियम में बैठकर किया डैडी विराट को चीयर। रोहित शर्मा की बेटी समायरा का बर्थडे, ऋतिका बोली इतनी बड़ी कैसे हो गई। नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स के बाद, नीरज चोपड़ा का 12 किलो वजन बढ़ गया, यह खुद उन्होंने बताया। कटरीना विक्की की हल्दी में इज़ाबेला कैफ ने येलो बांधनी साड़ी में ढाया था कहर, कीमत के लिए लिहाज से। और देश में सबसे ज़्यादा बिकती है टाटा की ये ईवी, अब सिंगल चार्ज में जाएगी 400 किलोमीटर तक। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ टेक्नोस्पार्क 8 प्रो भारत में लॉन्च हो गया। इसका दाम और कीमत बताएंगे। कमाल का टैलेंटेड, 15 साल में ग्रेजुएशन कर ली, 4 साल में 5 डिग्री हासिल कर लिया है। नसीरुद्दीन शाह के गृह युद्ध वाली टिप्पणी को पाकिस्तान ने लिया हाथों हाथ। मुहासे की समस्या को आप बिल्कुल हल्के में ना लें, आपके स्वास्थ्य की इन गड़बड़ियों का ही संकेत है। क्या नकली इंसान भी बनाने लगा है चीन, ये बहुत खतरनाक खबर है। अपने चीनी हमशक्ल पर एलन मस्क ने यह प्रतिक्रिया दी। और रेगिस्तान का आयोडीन खत्म कर रहा है ओजोन लेयर, ये एक स्टडी आई है और ये ख़तरनाक स्टडी है। वैसे ही ओजोन लेयर को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। तो जो हमने सबसे पहली खबर बताई थी आपको कि नए साल में महंगा सब कुछ हो रहा है, नया साल यानी कि 1 जनवरी 2022 से कुछ चीज़ों में बदलाव होने वाला है। इन बदलावों से आप और हम पर और व्यापार जगत तक पर फर्क पड़ेगा। 1 जनवरी 2022 से कई चीज़ों पर टैक्स यानी कि GST बढ़ रहा है, इसलिए कपड़े जूते चप्पल खरीदने से लेकर कैब की ऑनलाइन बुकिंग तक हमें महंगी पड़ने वाली है। कपड़े और फुटवेयर पर 12% GST 1 तारीख से, रेडीमेड फुटवेयर पर 7% GST बढ़ा दी है। 1 जनवरी से रेडीमेड गारमेंट्स पर GST की दर 5 से 12% हो जाएगी। रेडीमेड गारमेंट्स की कीमतें ऑटोमेटिकली ऐसे में बढ़ जाएंगी। नए साल में अब जब आप रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने जाएंगे तो आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे। ऑटो रिक्शा या कैब बुक करना भी अब महंगा हो जाएगा नए साल में। ऑनलाइन ढंग से अगर आप ऑटो रिक्शा या कैब बुक करते हैं तो 5% आपको GST पे लगेगी। मतलब ये हुआ कि ओला उबर जैसे ऐप बेस्ड कैब सर्विसेज और ये सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो अब आपसे ज़्यादा पैसे लेंगे। ऑफलाइन ढंग से ऑटो रिक्शा के किराए में कोई बदलाव नहीं होगा, उसे टैक्स से बाहर रखा गया है। ऑनलाइन फूडिंग भी महंगी होगी, यानी कि ऑनलाइन अगर आप खाना मंगाएंगे तो भी महंगा होगा। नए साल से फूड डिलीवरी ऐप्स जैसे कि जोमेटो स्विगी पर 5% एक्स्ट्रा GST लगेगा। हालांकि यूजर्स पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ये पहले ही क्लियर कर दिया जा चुका है कि सरकार ये टैक्स ग्राहकों से नहीं लेगी बल्कि ऐप कंपनियों से वसूलेगी। अब ऐप कंपनी पैसा बढ़ा दे तो आप और हम क्या कर सकते हैं। टैक्स चोरी रोकने के लिए सारे कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, ये बात कही गई है। टैक्स चोरी रोकने के लिए नए साल में कुछ और कदम भी उठाएंगे। इसमें GST रिफंड पाने के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य करना होगा और जिन व्यवसायियों ने टैक्स अदा नहीं किए हैं उनकी GSTR 1 फाइलिंग सुविधा पर रोक लगाना भी शामिल है, सरकार ने यह भी कहा है। नोरा फतेही को आप जानते हैं, उनके आइटम सॉन्ग्स के लिए वो मशहूर हैं और नोरा फतेही कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कोरोना का कहर छाया हुआ है। करीना कपूर अमृता अरोड़ा के ठीक होने के बाद नोरा फतेही को कोरोना हो गया। नोरा के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि कर दी और बताया कि नोरा अभी क्वारंटीन हैं, डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। नोरा के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि नोरा फतेही की तरफ से कहा कि मैं बताना चाहती हूं कि नोरा को कि मुझे 28 दिसंबर को कोरोना हुआ। नोरा फतेही ने यह भी कहा कि मैं नियमों का पालन कर रही हूं, डॉक्टर की निगरानी में क्वारंटीन हूं, BMC के साथ कोऑपरेट कर रही हूं। नोरा फतेही ने भी इंस्टाग्राम पर खुद भी इस बारे में जानकारी दी है। वैसे नोरा को सिंगर गुरु रंधावा के नए गाने डांस मेरी रानी की वीडियो में देखा गया था। गाने के आने के बाद से नोरा और गुरु लगातार इसका प्रमोशन भी कर रहे हैं और कुछ समय पहले ही दोनों इंडियाज बेस्ट डांसर और कपिल शर्मा शो में भी नजर आए थे। तो बॉलीवुड से एक और खबर आई है, नोरा फतेही पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं और फिलहाल उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है।
विराट कोहली इन दिनों साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं। विराट के साथ अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका भी साउथ अफ्रीका के दौरे पर हैं। ये देखिए प्यारी सी पिक्चर विराट और बिटिया रानी की क्रिकेट मैच के दौरान अनुष्का और या अनुष्का के साथ भी है। अनुष्का हमेशा विराट को चीयर करती तो दिखी थी, लेकिन इस बार स्टेडियम में उनकी बिटिया भी अपने पापा को सपोर्ट कर रही हैं। विराट अनुष्का की नन्ही सी बेटी वामिका, सोशल मीडिया पर ये फोटो जबरदस्त वायरल हुई। वामिका की फोटो विराट अनुष्का के फैंस को काफ़ी पसंद आ रही है और विराट अनुष्का हालांकि नहीं चाहते कि उनकी बेटी की तस्वीर सबके सामने आए, लेकिन यहाँ पर ये तो हो चुका है। अब विराट अनुष्का की बिटिया वामिका की ये फोटो खूब वायरल हो रही है। वामिका एक फ़ोटो इंटरनेट पर खूब शेयर की जा रही है। कुछ समय पहले अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए पेपराजी को थैंक्स कहा था। अनुष्का ने लिखा था कि बेटी वामिका की तस्वीरें न पोस्ट करने के लिए पेपराजी और मीडिया का धन्यवाद। विराट अनुष्का का कहना है कि अभी वामिका को उसकी लाइफ आप जीने दीजिए, बाकी समय आने पर खुद उसकी तस्वीर हम पोस्ट करेंगे। लेकिन हालांकि इसमें वामिका का चेहरा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी बिटिया की तस्वीर पोस्ट हुई है। एक और क्रिकेटर की बिटिया की यह खबर है। रोहित शर्मा की बेटी समायरा का बर्थडे। रितिका बोलिंग, अरे इतनी बड़ी कैसे हो गई भाई, भारतीय वनडे टीम और T20 के हमारे नए कप्तान। देखिए प्यारी सी बच्ची है, बैठी हुई है, ये रोहित शर्मा की बेटी है, समायरा इनका नाम है। आज इनका बर्थडे है, 3 साल की हो गई है ये बहुत ही प्यारी सी गुड़िया रानी। इस अवसर पर रोहित की पत्नी रितिका ने सोशल मीडिया पर 2 पिक्चर्स शेयर की। बेटी को जन्मदिन की उन्होंने खुद बधाई दी। रितिका ने इंस्टाग्राम पर समायरा की एक फ़ोटो शेयर की। इस फोटो के कैप्शन में रितिका ने लिखा, हमारी बेटी इतनी बड़ी कैसे हो गई। साथ ही रितिका ने फोटो पर हैप्पी बर्थडे का बैनर भी लगाया। रोहित शर्मा चोट के कारण साउथ अफ्रीका दौरे पर होने वाली सीरीज से बाहर हैं। 19 जनवरी से वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसमें रोहित वापसी करेंगे। बतौर नियमित कप्तान रोहित की ये पहली वनडे सीरीज होगी। आज हम आपको सारी जो खबरें हैं वो खिलाड़ियों से ही रिलेटेड दिखा रहे हैं। ओलंपिक्स में भारत को गोल्ड दिलाने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की नजरें वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स में शामिल होने पर है। इसके लिए 90 मीटर की दूरी तक भाला फेंकने की वो तैयारी कर रहे हैं। नीरज ने कहा कि मैं 90 मीटर दूर भाला फेंकने की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया तो गड़बड़ हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। नीरज ने खुद कहा, टोक्यो ओलंपिक्स के बाद सब कुछ मैंने खाया और मेरा वजन काफ़ी बढ़ गया, कम से कम 10 किलो से ज़्यादा, 12-13 किलोमीटर। 90 मीटर की भाला फेंकने की कोशिश में बेस्ट प्लेयर्स में उनका नाम शामिल हो जाएगा अगर वो फेंक देते हैं तो। 87.58 मीटर का थ्रो फेंककर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। सर्वश्रेष्ठ निजी प्रदर्शन 88.07 मीटर है। उन्होंने मीडिया से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेडल जीतना एक बात है, जबकि भाला दूर तक फेंकना अलग बात है। 90 मीटर का थ्रो फेंकने से मेरा नाम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ियों में शामिल हो जाएगा और मैं इसके बहुत करीब हूँ, जल्द ही मैं ये लक्ष्य हासिल कर लूँगा। लेकिन इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोचता, मुझ पर कोई दबाव नहीं है और कोई गड़बड़ हो भी जाए तो कोई बात नहीं। नीरज कहते हैं कि अभी मैं 2 मीटर दूर हूँ, ये कम नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। मैं इसके बारे में कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हूँ, यानी कि अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये ऐसी बाधा है तो मुझे नए साल में इसे पार कर लेनी है। तकनीक में ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ उसी में सुधार करूँगा, दमखम रफ्तार का काम होगा तो दूरी अपने आप तय हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है, मोटिवेट करते हैं बहुत ज़्यादा नीरज। और जब उन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था तो आपका हमारा सबका सर गर्व से ऊंचा हुआ था, देश को गौरवान्वित उन्होंने किया था। अगली खबर हमारी कटरीना कैफ की बहन इसाबेल कैफ की है। और ये देखिए कटरीना की छोटी बहन है, कटरीना और विक्की की शादी में ये दिखाई दी। देखिए कैसे अपने जीजू को हल्दी लगा रही हैं और उनके लुक सब चर्चा में हैं। इसाबेल ने कटरीना और विक्की की हल्दी सेरेमनी में अपनी कुछ फोटोज़ शेयर किए हैं और सामने आते ही इनकी ये पिक्चर्स जो हैं वो तेज़ी से वायरल हो गई। बहन कटरीना और विक्की की हल्दी सेरेमनी से इसाबेल ने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ 2 फोटोज़ शेयर की। फ़ोटो में इसाबेल येलो कलर की साड़ी पहनी हुई हैं और उन्होंने ये तस्वीर जो है खुद पोस्ट की। पुनीत बलाना के कलेक्शन की ये साड़ी है और ये जो साड़ी है ये डिज़ाइनर की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
और ये देखिए शादी की तस्वीरें जो हैं उन्होंने, हाँ लेकिन हम एक बात तो बताना ही भूल गए आप। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खबर क्यों है, क्यों पॉपुलर हो रही है। साड़ी तो ठीक है, अच्छी है, कोई बात नहीं, होता है, साड़ियाँ अच्छी होती हैं और भी साड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, लेकिन इसकी जो कीमत है वो है 47,500 रुपये, 50,000 के लगभग। देश में सबसे ज्यादा टाटा की ये सिंगल चार्ज में 400 किलोमीटर तक वाली कार इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकती है और इस सेगमेंट में टाटा मोटर्स तहलका मचाने जा रहा है। अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार में नया बैटरी पैक लेकर टाटा आ रहा है, जिसके बाद वो सिंगल चार्ज में 400 किलोमीटर तक जाएगी। टाटा मोटर्स अपनी नेक्सॉन ईवी में कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब इसमें 40 kW बैटरी मिलेगी। इसकी रेंज जो अभी 300 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर और बढ़ जाएगी और फेसलिफ्ट वर्जन में सिंगल चार्ज में 400 किलोमीटर तक जा सकती है। नेक्सॉन ईवी देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी है। ईवी सेगमेंट में इस गाड़ी की करीब 60% हिस्सेदारी है। वहीं अपने एक और मॉडल टाटा टिगोर ईवी के साथ कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को लीड भी कर रही है। एल्ट्रॉस का इलेक्ट्रिक वर्जन भी लाने की टाटा तैयारी कर रही है। 250 किलोमीटर की रेंज देने की इसमें उम्मीद है और जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी इसमें होगी। अब एक और टेक से जुड़ी हुई, टेक्नो ने अपना नया बजट स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया है। इसका नाम कंपनी ने टेक्नो स्पार्क 8 प्रो रखा है। टेक्नो स्पार्क 8 प्रो को टेक्नो स्पार्क 7 प्रो के अगले वर्जन के तौर पर पेश किया गया। टेक्नो स्पार्क 8 प्रो को 10,599 रुपये के इंट्रोडक्टरी प्राइस पर उतारा गया। ये फोन इंटरस्ट्रेलर ब्लैक, कोमैडो आइलैंड, टर्कवाइज क्लैन और विंसर वायलेट कलर में आता है। टेक्नोस्पार्क 8 प्रो को ई कॉमर्स साइट अमेजोन से बेचा जाएगा। 4 जनवरी से आप इसे खरीद सकते हैं। टेक्नोस्पार्क 8 प्रो एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स बेस्ड HiOS V7.6 पर चलता है। इसमें 6.8 इंच की FHD प्लस DOT नॉच स्क्रीन दी गई है। इसका रेजोल्यूशन 1080x2460 पिक्सल का है। इस फोन में MediaTek Helio G85 प्रोसेसर दिया गया है। ये फोन आपको कमाल का लग सकता है। ये फोन 6 GB तक रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ आता है। इंटरनल मेमोरी को यूजर्स माइक्रो SD कार्ड की मदद से 256 GB तक आप बढ़ा सकते हैं। फोटोग्राफी की अगर बात करें तो इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है और इसका प्राइमरी कैमरा 48 MP का है, 48 MP। इसके अलावा 2 MP का पोर्ट्रेट सेंसर और A1 लेंस भी दिया गया है। इसके फ्रंट पे सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8 MP का कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी 33 W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ दी गई है। इस कनेक्टिविटी के लिए इसमें 3.5 mm ऑडियो जैक, 4G ब्लूटूथ, V5 FM रेडियो। हाँ मतलब अब हमें तो ये चीज़ें सारी समझ में आती नहीं है, लेकिन आपके लिए हमने ये सारी बातें बता दी हैं। अब क्योंकि आज थोड़ा जल्दी आपसे आज्ञा लेनी है, कल फिर मुलाकात होगी। कल हम पॉपुलर न्यूज़ लेकर आपके साथ होंगे, लेकिन तब तक के लिए आपको कोरोना से बचना है, ओमिक्रॉन से बचना है, अपने परिवार को बचाना है, फैमिली को बचाना है, देश को बचाना है और इसके लिए कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा ईमानदारी से पालन करना है। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिए आज तक।